जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया। भाजयू में कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस राज में प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसी का विरोध जताने के लिए भाजयू में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे इकट्ठे हुए भाजयू में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर जयसिंह हाईवे पर धरना देने लगे। पुलिस ने प्रवेश द्वार बंद कर दिए। धरने से जब आम लोग परेशान होने लगे तो दोपहर 12:30 बजे पुलिस ने कार्यकर्ताओं को उठाना शुरू किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल खाली कराने के लिए कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भाजयू में पदाधिकारियों का दावा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से दर्जन भर से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इसी दौरान सदर ACP नवाब खान से कार्यकर्ता उलझ गए। मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों ने भाजयूमो के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। भाजयूमो प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिनवाल ने बताया कि पिछले दिनों झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में कृष्णा वाल्मीकि पर दिन दहाड़े समुदाय विशेष के लोगों ने लाठी भाला सरिया से हमला बोल दिया था। आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर हो रहे अत्याचार को दर्शाती है। प्रदेश में गहलोत सरकार ST SC पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम है।